लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में सियासी पारा चरम पर है। ऐसे में चुनाव प्रचार के बीच एनसीपी शरद चंद्र के चीफ शरद पवार ने अमरावती से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी बलवंत वानखेड़े के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अमरावती की जनता से माफी भी मांगी। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में अमरावती से सांसद नवनीत राणा एनसीपी के समर्थन से चुनाव जीतकर आई थी, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में सियासी पारा चरम पर है। ऐसे में चुनाव प्रचार के बीच एनसीपी शरद चंद्र के चीफ शरद पवार ने अमरावती से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी बलवंत वानखेड़े के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अमरावती की जनता से माफी भी मांगी। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में अमरावती से सांसद नवनीत राणा एनसीपी के समर्थन से चुनाव जीतकर आई थी, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में सियासी पारा चरम पर है। ऐसे में चुनाव प्रचार के बीच एनसीपी शरद चंद्र के चीफ शरद पवार ने अमरावती से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी बलवंत वानखेड़े के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अमरावती की जनता से माफी भी मांगी। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में अमरावती से सांसद नवनीत राणा एनसीपी के समर्थन से चुनाव जीतकर आई थी, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई।